ਨਾਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ एसजीपीसी वालों जो अमृतसर के डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है अपना रोस जाहिर किया जा रहा है सड़कों पर बैठ के डीसी दफ्तर बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी दौरान एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का भी बयान सामने आया कहा कि बिना किसी कसूर के फड़े नौजवानों जोड़ा रिहा किया जाए हर संस्था अपने हकों के लिए मुजहरा कर अधिकार है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान अहुदेदार साहबान वो सारे डीसी साहब नूं एक मेमोरेंडम देण पहुंचे हैं। पिछले दिनों दे विच तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने एक अकाल तख्त ते विशेष जिहड़ी एकत्रता की सी जिहदे विच वख-वख जथेबंदियां ने अपना हिस्सा लिया सी और उस हिस्से दे विच उन्हें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ये हदायत की सी नाल सरकार नूं एक अल्टीमेटम भी दिता सी कि 24 घंटिया दे विच ये जिहड़ा जिन्ने इनोसेंट बेकसूरे उन्हां सारिआं नूं रिहा किया जाए। पहलां तां सानूं इस गल का अफसोस आ कि सिंह साहब का जिहड़ा उह ट्वीटर सीगा जिहदे तों उन्हें सदर पत्ते दिते सी उह सदा पत्र ही जिहड़ा उह ट्वीटर बंद कर दिता गया तो मैं समझदा सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब का होवे तो फिर इउं जिहियां घिनौणियां हरकतां करिए ये शोभा नहीं दिंदियां। सो अल्टीमेटम तो बाद जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर दे पोर्टल दे उत्ते जिहड़ा एक सिख एक्सट्रीमिस्ट लिखिया सी उह वापस लिया गया उधर नारी मान दे उत्ते जिहड़े इश्तिहार लगे हुए सी पोस्टर लगे सी वो सारे वापस होए। चलो चंगी गल सी पंजाब सरकार ने भी वो जिहड़े बेकसूरियां दे विच पूरे नहीं पर बहुत सारे जिहड़े 751 दे विच प्रिवेंटिव मैयर फड़े सी वो सारे जमानतां ते रिहा कीते। साडी अज मुख मंग आ सरकारां लई कुछ भी गल नहीं हुंदी कि वो 751 वाले जिन्ने जमानतां ते रिहा कीते उन्हां नूं डिस्चार्ज कर दिता जाए। उस तो इलावा जिहड़े फौजदारी केसां दे विच इनवॉल्व आ उन्हां नूं मुड़ के रिव्यू किया जाए।